कहाँ लेकर आए, वो जगह कैसी लगी फाइनली? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और देखिए ये सब जीवन में बहुत भाई। अरे ये पानी की टंकी कैसी है? अरे ये सोलह वाली टंकी है, सोलह वाली। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये है सोलह वाली टंकी जिसपे धर्मेंद्र बसंती के चक्कर में चढ़ गए थे, वो टंकी यहाँ लगाई गई है। ओह ओह क्या बात है। और ये देख सकते हैं, ये है गरम धर्म प्योर वेजिटेरियन ढाबा। और इसके बारे में तो भाई ने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है कि ये हमारे धर्मेंद्र जी का ढाबा है। यही है वो टंकी जहाँ से चढ़कर बसंती के लिए धर्मेंद्र जी कूदने वाले थे। और हम आ गए हैं इतने प्यारे जगह पे जो दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रेंड्स। और ये है वो ढाबा, क्यूरियोसिटी है। जब बाहर इतना सुंदर लुक है तो अंदर क्या होगा, आइए देखते हैं। होगा देख के। सो यहाँ की चेयर्स हो गई, यहाँ का पूरा इंटीरियर हो गया सारी की सारी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जितने भी वेटर्स हैं उनके जो ड्रेस है ना, उसके पीछे धर्मेंद्र जी की मूवी के सारे डायलॉग्स लिखे गए। अभी जो भी अगर वेटर आएगा हमें सर्व करने, हम उनके पीछे के वो शर्ट के पीछे का डायलॉग आपको ज़रूर दिखाने वाले हैं। और धर्मेंद्र जी की मूवीज़ के सारे होम प्लेट्स लेकर सारी चीज़ें यहाँ पे दिए। हर जगह इंटीरियर बहुत ही फिल्मी है और हमें तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए और वीडियो एंड तक देखिए। सबसे खासियत बात यहाँ की इंटीरियर की नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ के खाने की है। और दिल्ली से लोग चलकर इतने दूर तक यहाँ के खानों के लिए आते हैं। तो यहाँ का जो पराठे हैं और वो भी आलू के पराठे, वो बहुत ही फेमस है। तो हम सभी बाकी दिल्ली वासियों की तरह हम भी यहाँ पे यहाँ के पराठे एक्सप्लोर करने आए हैं और आपको यहाँ की चाय और पराठों का लुत्फ आपको दिखाएंगे। और दिखाएंगे कि लोग उतनी दूर से 90 किलोमीटर से सिर्फ पराठे खाने ही आते हैं। हाँ जी, तो मैं आपको
हमने फाइनली अपना ऑर्डर दे दिया है और यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ के पराठे जरूर ट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ के जितने भी टाइप के पराठे हैं वो हमने ऑर्डर कर दिए हैं और उस ऑर्डर को यानी कि अभी बहुत भूख लगी क्योंकि कल था फास्ट और हमने खाना नहीं खाया है। आज हम अपना फास्ट यहीं तोड़ने वाले और पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो धर्मेंद्र जी के ही गाने यहाँ पे सारे प्ले हो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी तो कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा यार। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब हमारा खाना आ जाएगा। भूख लगी फ्रेंड्स। फाइनली हमारा पराठा आ गया, जिस पराठे के लिए हम दिल्ली से चल के हरियाणा आए थे, और ये है आलू प्याज के पराठे और साथ में सफेद मक्खन। आप देख सकते हो ना, ये मक्खन कहीं भी नहीं मिल सकता, ये व्हाइट मक्खन है और इसको खाने के लिए लोग यहाँ से आते हैं। ये तंदूर में बना हुआ पराठा है तो देख सकते हैं, और उधर है मिक्स पराठे और ये है आलू प्याज के पराठे। तो अब एकदम मम्मी कैसा लग रहा है देख के? यार भाई ने तो दिल खुश कर दिया यार, इतना यम्मी टेस्टी खाना और बहुत मजा। तो फ्रेंड दिल हो गया है खुश और इस पे डालेंगे हम सफेद मक्खन और खा के एकदम दिन बन जाने वाला है। तो पापा कैसा लग रहा है? बताना चाहूँगा इसको कहीं आयल नहीं, जो हम लोग घर में पराठा बनाते हैं तो लोग उस पर आयल भरती में आग में सेका हुआ है, एकदम पतला है ये, देखिए बस पतला है। वाह, और ये देखिए, ये तो जान है, ये तो मैडम जान है। वाह यम्मी। और हरियाणा में एक नेचुरल ये जो बनाते हैं होममेड मक्खन, और ऐसे ही है ये 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 ये। वाह ये मम्मी, ये मम्मी का और ये है मेरा मक्खनदार पराठे, और हम खाएंगे और आप आपका टेस्ट बताएंगे। देख सकते हैं मम्मी बहुत सुकून से बैठी हैं और इनका थोड़ा सा एक्सप्रेशन देखिए, और नीचे क्या हो रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए आप सभी, यानी कि मम्मी ये देख सकते हैं, मम्मी ले रही है स्पेशल स्पा। कैसा लग रहा है मम्मी? अपने व्यूअर्स अपने फ्रेंड्स को बताइए कैसा फील कर रही है। तो फर्स्ट टाइम मम्मी ले रही है फिश स्पा और ये देख सकते हैं आप सभी, ये देखिए सर बैठे हैं। तो ये आप फिश से कटवा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, है ना। मम्मी ले रही है फिश स्पा, कैसा लग रहा है आपको? वाइब्रेशन हो रहा है, खुशी हो रही है। फ्रेंड मम्मी तो बैठी थी रही थी, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरीके का अपने लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस किया है, तो बहुत ही देख रही हूँ, नहीं लग रहा है देख रही अजीब उलझन। तो नीचे देखने में इनको उलझन सी हो रही है क्योंकि देख सकते हैं, और ऊपर तो ठीक है। और पापा बहुत रिलैक्सिंग थेरेपी लिए, आई होप कि आपको भी रिलैक्स हुआ ही होगा। तो फ्रेंड्स आज का दिन बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, आशा करती हूँ कि आप सबको भी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। फ्रेंड्स फाइनली हम अपने अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, और हम वहां से आ चुके हैं जहां हम लोग आपको लेकर गए थे। और कैसा लगा आप सभी को वीडियो और आप वो जगह? मम्मी क्या बोलना चाहती है? मम्मी ने आज किस क्या देखा धर्मेंद्र जी का? गावा और गरम गरम गावा। कैसा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े। बहुत दूर गए 90 किलोमीटर। और तो फ्रेंड्स खाना तो खाना था, साथ में आप सभी के लिए वीडियोस भी हमने बनाई, इतनी मेहनत की। तो उम्मीद है कि हमारी मेहनत आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। और सेट का टाइम हो चुका है, तो हम लोग अब नेक्स्ट। तो ये देखिए मम्मी इसी के लिए मुझे तभी से मेरे हाथों को खींच रही थी ये व्यू दिखाने के लिए। तो देखिए फाइनली सनसेट हो गया है और शाम के 5:30 हो रहे हैं, और हम नोएडा आ चुके हैं 90 किलोमीटर की दूरी उधर से भी और इधर से भी पूरी करके। अभी हमारा दिन ख़त्म तो नहीं हुआ है, संडे है, संडे में अभी हमें बहुत सारी और हलचलें करनी है। तो नेक्स्ट हलचल को देखने के लिए आप हमारी वीडियो से कनेक्टेड रहिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स